नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य की यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और स्वागत है आप सभी का हमारी वेबसाइट ट्रेडिंग चाणक्य डॉट कॉम पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑन बैलेंस वॉल्यूम, एक इंडिकेटर है इसके बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में OBV भी कहते हैं। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट है, उसी के ऊपर वीडियो बन रही है। तो किसी भाई ने रिक्वेस्ट करी थी कि OBV के बारे में बताइए कि ये क्या इंडिकेटर है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है और क्या इसकी इंटरप्रिटेशन है और क्या सही वे है इसको यूज़ करने का। तो थोड़ा सा इसका एक हिस्टोरिकल नॉलेज ले लेते हैं कि मिस्टर जोए साहब है जिन्होंने इनको इंट्रोड्यूस करा अपनी बुक में 1963 में, और डेवलप करा था इन्होंने 1960 में। और ये जो साहब है, इनका मानना ये है कि जो मार्केट है उसके अंदर प्राइस जितना इम्पोर्टेंट रखता है उतना ही वॉल्यूम इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक इस तरीके से अगर बाज़ार के अंदर लोग नहीं है खरीदने वाले, तो उस बाज़ार के अंदर कभी भी आप कमाई नहीं कर सकते अपनी दुकान खोल के। अगर वहाँ पर पब्लिक है और वो पब्लिक वहाँ मौजूद है और एकदम पब्लिक आ रही है या और पब्लिक बढ़ रही है, तो उम्मीद है कि आपकी दुकान का भी सामान बिकेगा, राइट। तो इसी वे में ये कहते हैं कि जितना वॉल्यूम होगा प्राइस के बढ़ने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, और ये एक बेहतरीन इंडिकेटर बन सकता है एक बहुत ही अच्छे कंफर्मेशन के लिए। ये इंडिकेटर दोस्तों ध्यान दीजिए, कभी भी आपको बाय और सेल सिग्नल नहीं देगा। ये बाय ट्रिगर एंड सेल ट्रिगर का कोई भी सिग्नल नहीं देता है, ये आपको एक कंफर्मेशन देता है कि जी कितना लोग आ गया है और कितने लोग चले गए हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में, ठीक है। तो ज़रा समझते हैं दोस्तों, समझ आपको समझाने की कोशिश करूँगा बहुत ही सरल लैंग्वेज में, बहुत ही सरल भाषा में, और उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे अपने चार्ट के अंदर और इसका एक भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। चलिए देखते हैं दोस्तों कि क्या चीज़ है ये। थोड़ा सा दोस्तों इसकी कैलकुलेशन देखना बड़ा ज़रूरी है कि ये किस तरीके से काम करता है। तो बचपन में शायद हम सभी को याद होगा कि हमने पढ़ा था कि प्लस 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 ही होता है, ठीक है ना। और हमने ये भी पढ़ा है कि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ माइनस 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 नहीं होगा, यहाँ माइनस 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 ही रहेगा, ठीक है। ज़रा देखते हैं यहाँ दोस्तों ये करता है क्या, इंडिकेटर किस हिसाब से कैलकुलेशन करता है। ये पुराने वॉल्यूम को देख करके ये बताता है आपको कि पुराने डाटा के मुकाबले जो वॉल्यूम है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। ये कोई एवरेज नहीं कर रहा है उसको, ये सिर्फ आपको नेगेटिव और पॉजिटिव बताने की कोशिश करेगा कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग जा रहे हैं पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने के लिए और बेचने के लिए, ठीक है ना। जो लोग नए आ रहे हैं वो बेच रहे हैं या जो लोग नए आ रहे हैं वो खरीद रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको सिर्फ इतना इंटरप्रिटेशन देगा। तो ज़रा हम कैलकुलेशन की बात करें तो ये बड़ा सिंपल सा देता है कि मान लेते हैं डे वन जो है, अगर इसका वॉल्यूम डे वन का वॉल्यूम पॉजिटिव था और 10,000 था, ठीक है ना, और क्लोजिंग जो हुई थी स्टॉक की, जो क्लोजिंग है वो मान लेते 10 रुपये पे हुई थी, और हमारा जो डे सेकंड है अब इसका जो वॉल्यूम है वो 12,000 आया, और जो इसकी क्लोजिंग इसकी 11 पे हुई। तो सिंपल है कि पॉजिटिव वॉल्यूम था क्योंकि क्लोजिंग ज़्यादा पर हुई, 11 रुपये पे हुई, तो ये पॉजिटिव वॉल्यूम था। और तो ये जो OBV इसका बनेगा कि टोटल इसका प्लस कर देगा वो, इसको इन दोनों को प्लस करके आपको बताएगा कि जो इस पर्टिकुलर स्टॉक का OBV आया है, ठीक है ना, ये OBV यानी ऑन एवरेज वॉल्यूम इंडिकेटर जो बताता है उसकी ये कैलकुलेशन दोस्तों निकल कर आई है। तो ये आपको पॉजिटिव दे रहा है कि ये जी पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम तीसरे दिन का इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं कि भाई ये दो दिन का तो हमने ले लिया, अब तीसरे दिन क्या होता है, डे थ्री में क्या हुआ, जो वॉल्यूम था, ठीक है, वो वॉल्यूम आ गया सीधा सीधा 30,000 वॉल्यूम आया स्टॉक का, ठीक है, और 30,000 वॉल्यूम आने के साथ जो क्लोजिंग थी वो 8 रुपये पे हो गई स्टॉक की, जो भी स्टॉक था वो 8 रुपये पे क्लोजिंग हो गया। तो ध्यान दीजिए कि
कि अब तक तो ये पॉजिटिव वॉल्यूम आ रहा था, लेकिन ये अब नेगेटिव वॉल्यूम हो गया। ये नेगेटिव हो गया क्योंकि यहाँ पर स्टॉक का प्राइस गिरा है, क्लोजिंग नीचे जाकर हुई है, और जो ये 30,000 का जो वॉल्यूम आया ये नेगेटिव वॉल्यूम है, यानी यहाँ पर लोगों ने बेचा है, खरीदा नहीं है। तो OBV क्या करेगा, जो पिछला पॉजिटिव था वो उसके अंदर से इसको माइनस कर देगा, और माइनस करके जो फिगर आएगी वो 8,000 की आएगी। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, ये जो 8,000 आया ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव है। ये OBV आपको बताएगा जी अब ये 8,000 का जो वॉल्यूम है यहाँ पर ये नेगेटिव वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा इंटरप्रिटेशन देता है कि पुराने डाटा को एनालाइज करके प्लस करता जाएगा, और जैसे ही वॉल्यूम नेगेटिव होगा तो वो जितना भी प्लस होगा उसको नेगेटिव करता जाएगा, वो नेगेटिव 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 होता जाएगा, और जैसे प्लस वाली स्थिति आएगी तो वो प्लस 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 ही करता जाएगा। तो इस बेसिस पे आपको पूरा डाटा एनालाइज करता है, और जब क्लोजिंग सेम रहती है, वॉल्यूम सेम रहता है, तो वो इक्वल रहता है, OBV भी इक्वल रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं मिलेगी आपको। तो ये दोस्तों सिंपल सी कैलकुलेशन है इसकी, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। आप चाहे तो ट्रेडिंग चाने के .com पे इसकी कैलकुलेशन मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा चार्ट पे देख लेते हैं कि चार्ट पे किस तरीके से देखना है और उसका यूज़ करना है। दोस्तों ये चार्ट ओपन हो गया है हमारा, इस चार्ट के ऊपर ज़रा OBV लगा कर देखेंगे हम, ऑन वैल्यूज वॉल्यूम लगा कर देखेंगे कि किस तरीके से हमें देखना है और इंटरप्रिटेट करना है कि आगे प्राइस एक्शन क्या रहने वाला है। तो बड़ा सिंपल है, ज़ेरोधा का अकाउंट है, अगर आप उसके अंदर ऑन बैलेंस वॉल्यूम लगाना चाहते हैं तो सिंपली ON लिखेंगे, और ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं है, कोई ऐसा पीरियड्स नहीं है कि आपको कोई पीरियड लगाना है पर्टिकुलर, आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, ये कोई सेटिंग चेंज नहीं कर रहा। सिंपल कैलकुलेशन जो मैंने बताई है पुराने डेज को देख करके, ये आपको प्लस या माइनस वॉल्यूम, नेगेटिव वॉल्यूम और पॉजिटिव वॉल्यूम आपको दिखाएगा। दूसरा दोस्तों हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, हम इसको पिंक करेंगे, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर आपको डाइवर्जेंस के लिए दिखाना है, इसलिए हम इसको पिंक कर रहे हैं, और थोड़ा क्लियर विज़न में आपको दिखाई दे। तो ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर, आप राइट हैंड साइड पे आपको ये वॉल्यूम दिखा रहा है प्लस में, यानी 25 मिलियन, 50 मिलियन, 75 मिलियंस, और ये जो आपको दिखा रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश करेंगे तो ये आप धीरे धीरे माइनस में आ गया, पहले अभी पॉजिटिव में था, अब ये नेगेटिव में आ गया। तो जैसे आपका वॉल्यूम किसी पर्टिकुलर स्टॉक का, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम नेगेटिव में जाएगा, तो ये लाइन जीरो से नीचे चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी, बाकी ये पॉजिटिव में ही रहेगी, राइट। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हमें कंफर्मेशन मिलती है। देखिए ये कभी भी, मैंने आपको पहले बताया कि बाय और सेल सिग्नल नहीं देगा, ये कभी आपको ये नहीं बताएगा कि आपको बाय करना है या सेल करना है। तो दोस्तों एक बार हम जरा ट्रेंड फॉलोइंग के लिए एक सेकेंड इंडिकेटर लेते हैं, आप कोई भी इंडिकेटर ले सकते हैं जो हमें कंफर्मेशन के लिए, हम इसके अंदर काम करने के लिए एक इंडिकेटर हमें एक्स्ट्रा चाहिए ही चाहिए। चलिए हमने 50 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज हमने ले ली, जो रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है। ज़रा दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ऑन बैलेंस वॉल्यूम दिख रहा है, और ये आपको नेगेटिव में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही ये नेगेटिव में आया, तो आप ध्यान दीजिए नेगेटिव में आया, और यहाँ से मार्केट ने यहाँ पर एक कोशिश करी ऊपर जाने की, और मूविंग एवरेज से ऊपर जाने की ये कोशिश कर रही है। ज़रा आप ध्यान दीजिए, यहाँ दोस्तों मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, बखूबी उसने कोशिश करी ऊपर जाने की, 50 की जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ से इसने ऊपर जाने की कोशिश करी। लेकिन अगर हम अपोजिट साइड ऑन बैलेंस वॉल्यूम को देखते हैं तो ये नेगेटिव में चल रहा है, ये जीरो से नीचे चल रहा है, जो कि एक बेयरिश जोन है, नेगेटिव वॉल्यूम चल रहा है, तो यहाँ आप कभी भी बाय नहीं करेंगे। तो आपका पहला ट्रेड यहाँ पर बच जाता है। अगर हम खाली मूविंग एवरेज को लेकर के यहाँ काम कर रहे होते तो हम यहाँ दोस्तों ज़रूर फंस जाते, और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस ज़रूर ट्रिगर होता, राइट। तो ये आप इस तरीके से थोड़ा सा एक बेटर कंफर्मेशन ले सकते हैं। और अगर हम बात करें, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर ऊपर आने की कोशिश करी, लेकिन अभी भी ये ज़ीरो के नीचे है, नेगेटिव था। तो नेगेटिव साइड में आपको क्या करना है, सिर्फ शॉर्ट के ही ट्रेड लेने हैं, कभी भी आपको पॉजिटिव ट्रेड नहीं लेने हैं, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। दूसरा दोस्तों इसके अंदर डाइवर्जेंस बड़ा अच्छा काम करता है, अगर आप ध्यान दें तो ये मैंने सेगमेंट लाइन ली हुई है, तो इस सेगमेंट लाइन का ज़रा देखिए, अगर हम यहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश करें तो यार नीचे की तरफ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये एक सपोर्ट तोड़ रहा है, नीचे वॉल्यूम ने एक सपोर्ट तोड़ा, और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि प्राइस ने भी एक सपोर्ट तोड़ा।
तो दोस्तों ये एक बेहतर ट्रिगर बन सकता है सेल की साइड, ना कि बाइंग की साइड। तो ये बेहतर सिग्नल आपका सेल की साइड बना, यहाँ पर एक बेहतरीन आप इस सेल का ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ पर आप बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से, ये देखिए। और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का जब आप यूज़ करते हैं तो यहाँ देखिए दोबारा यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, और यहाँ से आप बिल्कुल एग्जिट हो सकते हैं, और यहाँ से मार्केट ने अपनी पूरी चाल चेंज लगभग लगभग कर ली है बिल्कुल, और यहाँ से आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा हम दोस्तों बात करें, दोस्तों इसके अंदर एक मज़ेदार चीज़ और है कि आप इसके अंदर एक स्विंग का बड़ा अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें कि मार्केट यहाँ पर एक अच्छे वे में नीचे आ रही है, बिल्कुल नीचे आ रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने एक पुराना स्विंग तोड़ा है, बहुत अच्छे से एक स्विंग तोड़ा है। यहाँ पर देखिए ये कुछ 2-3 महीने का वॉल्यूम ने स्विंग को ब्रेक करा है। स्विंग ब्रेक होना यहाँ पर एक बहुत अच्छा सिग्नल है। मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक बाद में आया है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ये नीचे की तरफ ही था, और लेकिन ये पहले ही आपको बता चुका है कि यहाँ पर मार्केट की ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान दें तो मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया ऊपर की तरफ, चाहे वो कुछ ही पॉइंट्स का भी नहीं, ज़्यादा अच्छा था। अगर हम देखें यहाँ पर आपको 125 से लेकर के 170 180 तक का मूव यहाँ देखने को मिला, तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी थी आपके पास बाइंग करने के लिए, लेकिन फिर भी एक सस्टेन नहीं कर पाया ये, और ये वापस नीचे आने की कोशिश करी। और ये वाला देखिए, ये जो स्विंग था तकरीबन 1 महीने का जो स्विंग था, इसको तोड़ने की कोशिश करके फिर वापस ऊपर आया। आप एक डाइवर्जेंस लगा सकते हैं, और यहाँ से आप एक अच्छा एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ भी आपको 20% का मूव यहाँ मिलेगा। दूसरा, अगर आप देखें बेरिश की तरफ भी आप इस पे ध्यान दे सकते हैं, आप एक स्विंग का सहारा ले सकते हैं। इस तरीके से आपने एक स्विंग का सहारा लिया, और यहाँ से मार्केट एक अच्छा ट्रेंड डाउन की तरफ दिया, और एग्जिट आप कहाँ हुए, एग्जिट आप इसके आसपास ही कहीं हुए जहाँ इसने ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा। तो देखिए ट्रेंड लाइन को यहीं तोड़ा है, तकरीबन आसपास ही ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके तोड़ा है, और यहाँ से आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। तो प्राइस एक्शन प्लस आप ऑन बैलेंस वॉल्यूम दोनों का सहारा लेकर के एक अच्छा ट्रेड आप ले सकते हैं। और ज़रा देख लेते हैं आगे, क्योंकि स्टॉक थोड़ा चौपी वे में चल रहा है। चलिए ये देख लेते हैं, आपकी मूविंग एवरेज बता रही है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर आया है, ठीक है, और उसने क्लोजिंग भी दी है यहाँ पर, ऊपर आके मार्केट ने क्लोजिंग भी दी है। लेकिन दोस्तों अगर हम ऑन बैलेंस वॉल्यूम की अगर देखें तो यहाँ पर इसने कोई एक ऐसा मूवमेंट तो ऊपर की तरफ दिया है, लेकिन कुछ ब्रेक नहीं करा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो तकरीबन ये 4-5 कैंडल्स के बाद, 5-6 कैंडल्स के बाद हमें कंफर्मेशन मिल गई है कि इसने ये पुराना स्विंग को तोड़ के ऊपर आ रहा है, और ये पुराना स्विंग तोड़ के जब यहाँ से ऊपर आया तो तकरीबन इधर हमें कंफर्मेशन मिली। तो यहाँ से हम ट्रेड लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा बचने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ आपको गलत ट्रेड्स, स्टॉप लॉसेस से बचाएगा, जो आपका काफ़ी अच्छा पैसा बचाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉसेस आपको पता है कि कहीं ना कहीं वो आपका प्लस वाला जो अमाउंट है उसको माइनस ज़रूर करेगा। तो ये आपका एक बेहतर अपॉर्चुनिटी थी। दूसरा, फिर आप ट्रेंड लाइन को खींच लीजिए बिल्कुल इस तरीके से। कहाँ तक ट्रेंड लाइन को खींच सकते हैं देखिए, अभी देखिए और खींचेगी। देखिए हमने ऊपर कोई प्राइस एक्शन नहीं देखा, हमने नीचे नीचे से हमने सीधा ट्रेंड लाइन खींची है, और सीधा आप देखिए कि यहाँ पर आपको एग्जिट पॉइंट मिलता है। कितना नीचे लिया था, कितना ऊपर जाके बेचा, तकरीबन 60 से 70% का प्रॉफिट लेके बेचा है। एक दिन का कैंडल है दोस्तों, बहुत बड़ा कैंडल लिया, बहुत बड़ी टाइम फ्रेम हम यहाँ नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ से आप एग्जिट हो गए, मूविंग एवरेज नीचे की तरफ ट्रेंड दिया, लेकिन आप चाहे तो नीचे की तरफ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्राइस एक्शन मिल रहा है आपको डाउन का। यहाँ से आपको एक ट्रिगर पॉइंट ऑलरेडी मिल चुका है, ट्रेंड लाइन नीचे बता चुकी है कि नीचे जा रही है, और यहाँ से भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं तो 15 से 20% का मूव ज़रूर मिल रहा है। दूसरा दोस्तों ये वाला देखिए, अगर यहाँ देखेंगे मूविंग एवरेज ने बता दिया कि ऊपर जाएगा, लेकिन स्विंग नहीं तोड़ा है, कोई एक अच्छा स्विंग नहीं मिला टूटने का। लेकिन फिर अगर हम देखें 10 कैंडल्स के बाद हमें एक मूव मिल रहा है यहाँ से, यहाँ पर हमें एक प्राइस एक्शन मिल रहा है, एक वॉल्यूम एक्शन दोनों मिल रहे हैं। तो ये आपका एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है, आप एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, और उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप एग्जिट हो सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि बाहर हो जाओ, लेकिन अगर आप अपनी ट्रेंड लाइन खींचोगे, ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर हम देखेंगे कहाँ बाहर होना चाहिए, अभी तो देखिए बाहर का सिग्नल ही नहीं मिला, यहाँ मिला है दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा।
या पूरी ट्रेंड लाइन के अंदर देखिए, जो हमने ट्रेंड लाइन खींची है यहाँ पर, हमें एक बार मूविंग एवरेज ने कहा कि बाहर हो जाओ, लेकिन ट्रेंड लाइन ने नहीं बोला कि बाहर हो जाओ, वॉल्यूम नहीं कह रहा है बाहर हो, क्योंकि अभी भी प्रेशर है, वॉल्यूम है, तो ये आपको नहीं कह रहा है कि बाहर हो। और यहाँ पर देखिए कितने गलत सिग्नल्स, यानी कितने गलत सिग्नल से आप यहाँ बच सकते हैं। ये देखिए इससे बचे आप, इससे बचे, यहाँ बाहर हो जाते हैं, आपने जो पुरानी बाइंग ली है लेकिन आपको बाहर नहीं करा इसने, लेकिन इसने आपको यहाँ बाय करा है, यहाँ बाहर करा है, सॉरी यहाँ आपको बाहर करा है, यहाँ पर ये सेल सिग्नल दिया है इसने, और मूविंग एवरेज के नीचे भी स्टॉक आया है, जो अभी करंट डीएलएफ का स्टॉक चल रहा है, तो उसके हिसाब से वॉल्यूम भी डाउन हो गया है, मूविंग एवरेज के नीचे भी आ गया है, तो एक बेहतर कन्फर्मेशन, गलत एग्जिट से बचाएगा, गलत आपका जो एग्जिट है उससे आपको बचाएगा ये, एक अच्छा कन्फर्मेशन वाला ट्रेड ज़रूर लेगा। ज़रूरी नहीं है कि मूविंग एवरेज के साथ यूज़ करना है, जितने इंडिकेटर हैं बेहतर कन्फर्मेशन के साथ आप इसको किसी भी इंडिकेटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। डाइवर्जेंस बहुत अच्छे काम करते हैं इसके अंदर, ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी काम करती है इसके अंदर, स्विंग बड़ा अच्छा काम करता है यहाँ पर, वॉल्यूम का स्विंग आपको बड़ा अमेजिंग काम करेगा। और ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है या जो डाइवर्जेंस ब्रेक होते हैं, जैसे कि इस तरीके से डाइवर्जेंस ब्रेक हो रहे हैं, ये लोअर लो बन रहे हैं स्विंग्स, हायर हाई स्विंग्स बन रहे हैं, तो इसका आपको फ़ायदा उठाना है, अदरवाइज इसका कोई और इंटरप्रिटेशन नहीं है, कोई और वे नहीं है इसको जज करने का। आप डाइवर्जेंस, आप ट्रेंड लाइन, आप स्विंग्स इसका यूज़ करके एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। हायर हाई एंड लोअर लो स्विंग्स का आप इस्तेमाल करके एक अच्छा ट्रेड एक अच्छी कन्फर्मेशन के साथ ले सकते हैं, और बाहर गलत बाहर होने से भी बच सकते हैं दोस्तों। तो वॉल्यूम के लिए ये इंडिकेटर आपको, मुझे उम्मीद है कि एक बेहतर कन्फर्मेशन देगा, क्योंकि जो हम वॉल्यूम चार्ट देखते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, नहीं आता समझ, लेकिन ये आपको एक क्लियर विज़न में आपको बताने की कोशिश करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये इंडिकेटर आपको कुछ एक बेहतर कन्फर्मेशन दे। और लाइव चार्ट में देखें दोस्तों, इंडिकेटर देखे, ट्रेडिंग में मदद करे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसने मेरी कुछ मदद करी है, और अगला वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं ज़रूर बताइए, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए दोस्तों, और जल्दी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये हर टाइम फ्रेम में काम करता है, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, हर स्टॉक पे काम करेगा, हर कमोडिटी पे काम करेगा, करेंसी पे काम करेगा, इक्विटी में काम करेगा, हर जगह दोस्तों ये काम करेगा। चलिए, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।